नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इको फ्रेंडली होने की। जी हाँ, बिज़नेस हम सब करते हैं, कईयों की कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब ये कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है कि आप कैसे इको फ्रेंडली होकर अपना बिज़नेस या अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं। पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ, हम कुछ स्टेप्स ज़रूर उठा सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बचाने में, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को इको फ्रेंडली बनाने में। आज कुछ ऐसी ही टिप्स मैं देने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अगर इको फ्रेंडली रास्ता अपनाएंगे तो आपका बिज़नेस भी अच्छा चलेगा, और अगर आप सिविलाइज सिटीज़न हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये काम करके। तो चलिए आज इको फ्रेंडली होते हैं, और फ्रेंडली तो हम हैं ही, आज थोड़ा सा इको होते हैं और आपको बताती हूं कुछ ऐसे टिप्स जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। देखिए, क्यों जरूरी है बिजनेस को इको फ्रेंडली बनाना। आजकल के समय के अनुसार अगर आप पर्यावरण को बचाने के लिए कदम भी उठा सकते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमें अपने पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि कौन से आसान से तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके पेपर को करें रिसाइकल। हम देखते हैं कि किसी भी बिजनेस में पेपर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सुनने में आपको बहुत ही अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सच है। अगर हम एक भरे पूरे बिजनेस में शुरुआत पेपर को रिसाइकल करने से करें तो हम पर्यावरण को काफी हद तक बचा सकते हैं। ऐसे में हम ये काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस में लगभग सभी पेपर को रिसाइकल करने की कोशिश करें और बाकी लोगों को भी इसकी सलाह दें। जितना ज्यादा हो सके ऑनलाइन बिलिंग का इस्तेमाल करें, जब जरूरत ना हो तब बहुत अधिक प्रिंट या फोटोकॉपी करने से बचें। इको फ्रेंडली वाहन का इस्तेमाल करें। हालांकि ये कोशिश भर है, पर आप अपने ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को ऑफिस तक आने के लिए इको फ्रेंडली तरीके का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि एक घर में लगभग सभी लोगों के पास कार है और वो अपनी अलग अलग कार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप अपने ऑफिस स्टाफ को प्रोत्साहित कर सकते हैं वो कार पूलिंग की सुविधा का अवसर उठाएं और जितना ज्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका ऑफिस आपके घर से करीब है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप वॉक करने से बिल्कुल परहेज ना करें। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ऑफिस एरिया में एक छोटा सा गार्डन बनाएं। ऑफिस में गार्डन जरूर बनाएं और हो सके तो अपने स्टाफ मेंबर को भी ऐसा करने के लिए कहें। आप इसके लिए कुछ ना कुछ दिलचस्प एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसमें लोग अपने नाम के छोटे से पौधे या पेड़ ऑफिस में रख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है, पर यकीन मानिए ये पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर को करें रिसाइकल। सबका एक सपना होता है कि जब भी वो अपना बिजनेस शुरू करें तो वहाँ की सजावट अपनी पसंद से करें, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने ऑफिस में फर्नीचर पुराने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे बस एक नया लुक देने की जरूरत है, और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रिसाइकल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल करें जो कम से कम बिजली खपत करें। ऑडिट करवाएं, ना हो सके उतना अपने बिजनेस में एनवायरमेंट ऑडिट करवाने की कोशिश करें। इसमें ऑडिट के लिए आने वाले लोग अपनी कंपनी को देखते हुए आपके बिजनेस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए आपके सामने सुझाव रखते हैं, और आप वो सुझाव मानते हुए बहुत ही अच्छी तरह से अपने आसपास के वातावरण को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। काम करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। पर्यावरण को बचाना एक ऐसी चीज है जिसमें सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। आपके ऑफिस के बिजनेस में भी सिर्फ अकेले आप ये गोल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने साथ काम करने वाले स्टाफ के हर मेंबर को पर्यावरण के बचाव के लिए प्रोत्साहित करें। इको फ्रेंडली मार्केटिंग, जितना ज्यादा हो सके कंपनी में इको फ्रेंडली मार्केटिंग करने की कोशिश करें, जैसे कि आप इको फ्रेंडली दिलचस्प एक्टिविटी समय समय पर ऑफिस में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लीन एनर्जी मंथ या फिर अर्थ डे आदि को सेलिब्रेट करने की पूरी कोशिश करें, इससे लोग इस मिशन से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। पिछले कुछ समय से सोलर एनर्जी बड़े बड़े ऑफिस और यहाँ तक कि घरों में भी इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने वर्क स्पेस को सोलर एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हो सके बचाएं पानी। हालांकि हम जानते हैं कि ऑफिस जैसी जगह पर पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, फिर भी कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके आप उतना पानी बचा सकें और उसे व्यर्थ ना गवाएं। ग्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।
साफ सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं जो हमारे पर्यावरण को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ऑफिस में या हो सके जहां भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां आप ग्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप पर्यावरण को बचाने में थोड़ी समझदारी जरूर दिखा सकें। ये सब कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो आप प्रतिदिन अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर पर्यावरण को इको फ्रेंडली बनाने में मदद कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में बदल सकते हैं और अपने मिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखा आपने कि छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप जहन में रखें तो आप पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं और एक अच्छे सिटीजन होने का सबूत दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप कैसे वीडियोस आगे देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर, और हाँ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।